आप बाइंग ये प्रॉपर्टी डाउनलोड करके इस प्रोजेक्ट को गाजियाबाद, नोएडा, ग्रेटर नोएडा के 300 से ज्यादा हॉट सेलिंग प्रोजेक्ट्स के लाइव वीडियोस, लेआउट, प्राइस, डील्स और डिस्काउंट्स देख सकते हैं और बिल्डर से डायरेक्टली खरीद सकते हैं लोवेस्ट कीमत पे और एक अशोर्ड कैशबैक के साथ में केवल 4 स्टेप्स। पहला, एप्लीकेशन डाउनलोड करके प्रोजेक्ट सेक्शन के अंदर में फिल्टर पे क्लिक करने पे अपना मनपसंद एरिया सिलेक्ट करने के बाद अप्लाई फिल्टर पे करके सारे प्रोजेक्ट देख सकते हैं। किसी भी प्रोजेक्ट के वीडियो आइकॉन पे क्लिक करने पे उस प्रोजेक्ट के सारे वीडियोस देख सकते हैं, प्रोजेक्ट के लेआउट्स और कीमत की जानकारी मिल जाती है। तीसरा, ऑफर्स में स्पेशल डील्स और डिस्काउंट्स के बारे में पता चलता है। और चौथे, कॉन्टैक्ट बटन पे क्लिक करने से डायरेक्टली बाइंग या प्रॉपर्टी या बिल्डर से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। टाटा युवेका पार्क नोएडा के सेक्टर प्राइम 150 में बन रही एक प्रीमियम और एक लग्जूरियस अपार्टमेंट्स की सोसाइटी है। प्रोजेक्ट का काम काफी तेजी से कंप्लीट हो रहा है और जनवरी 2023 में प्रोजेक्ट का कंस्ट्रक्शन स्टेटस कुछ ऐसा दिखता है। प्रोजेक्ट के चारों साइड से एक ओपन व्यू और साथ ही में गोल्फ कोर्स और पार्क का व्यू मिलता है और आसपास के एरिया में भी काफी सारे प्रोमिनेंट अपार्टमेंट्स भी जल्द तैयार होके डिलीवर हो रहे हैं। अब इस प्रोजेक्ट के बारे में थोड़ा ज्यादा जान लेते हैं। अब इस प्रोजेक्ट के आसपास का 360 डिग्री व्यू देख लेते हैं। प्रोजेक्ट आपका एक कॉर्नर का प्लॉट है जो कि 4 साइड ओपन है, जिसके सामने आपका ग्रीन बेल्ट है और एक साइड पे आपका हिंडन का रिवर बेड आ जाता है। प्रोजेक्ट के सामने आपका गोल्फ कोर्स भी है। अब हम इस प्रोजेक्ट के बारे में थोड़ा ज्यादा जानने की कोशिश करते हैं। अगर प्रोजेक्ट की बात करें तो ये एक कॉर्नर का प्लॉट है जिसमें कि आपके 4 साइड ओपन है, सामने एक फ्रंट रोड है, अंदर आपकी इंटरनल रोड है जो कि गोल्फ कोर्स को फेस करती है, एक रोड आपकी हिंडन नदी की तरफ फेस करती है और एक बैक रोड है जहाँ पे कि बाकी अपार्टमेंट्स जैसे ओमैक्स बन रहे हैं। सोसाइटी का एक्सटर्नल व्यू कुछ ऐसा दिखेगा। ये प्रोजेक्ट तकरीबन 21 एकड़ के प्लॉट एरिया पे बनाया गया है जो कि आपका 4 साइड ओपन है और इसमें 20 टावर्स हैं। इन 20 टावर्स के बीच में आपका सेंट्रल पार्क तकरीबन 8 एकड़ का है और प्रोजेक्ट में आपकी ओपन और सिंगल बेसमेंट पार्किंग है। प्रोजेक्ट में 20 टावर्स हैं पर 30 नंबर नहीं यूज़ किया गया है, जिसकी वजह से टावर्स आपके 1 से 21 हो जाते हैं। करंटली अभी जो टावर्स बिक रहे हैं वो है 1, 2, 3, 4 जो कि ग्राउंड प्लस 28 स्टोरीज के हैं, जिसमें कि 5 यूनिट्स है हर फ्लोर पे, टावर 8, 9, 10 जिसमें कि 4 यूनिट्स है फ्लोर पे और ये जी प्लस 28 है, और टावर 19, 20, 21 जो कि आपका ग्राउंड प्लस 22 स्टोरीज का है और इसमें 4 यूनिट्स है हर फ्लोर पे। प्रोजेक्ट में आपकी एक एंट्री एग्जिट है जो कि आपकी कुछ ऐसी दिखेगी और एंट्री एग्जिट के सामने ही आपकी बेसमेंट के लिए पार्किंग चली जाती है। सोसाइटी के फ्रंट में आपका कमर्शियल कॉम्प्लेक्स है जो कि आपका ग्राउंड फ्लोर का है और कुछ ऐसा दिखेगा। सोसाइटी में आपका सेंट्रल क्लब ग्राउंड प्लस 1 स्टोरी का है और क्लब के सामने स्विमिंग पूल है और क्लब का लुक आपका कुछ ऐसा दिखेगा। 8 एकड़ के सेंट्रल पार्क में आपका स्केटिंग रिंग बनाया गया है। सेंट्रल पार्क में काफी बड़ा जॉगिंग ट्रैक भी है जो कुछ आपका ऐसा दिखेगा। सेंट्रल पार्क एरिया में आपका वाईफाई गजीबोज भी मिलेंगे। सोसाइटी में आपका सेपरेट किड्स प्ले एरिया भी बनाया गया है। सोसाइटी में आपके 4 लॉन टेनिस के कोर्ट, 2 बैडमिंटन कोर्ट और एक फुल साइज का बास्केटबॉल कोर्ट भी बनाया गया है। इनके अलावा क्लब में आपका जिम और साथ में योगा फैसिलिटीज भी प्रोवाइड कराई गई हैं। सोसाइटी में आउटडोर सेलिब्रेशंस के लिए एक पार्टी लॉन भी बनाया गया है।
अब हम सोसाइटी का एक डेमो मॉडल भी देख लेते हैं, जिससे कि शायद इस सोसाइटी को समझने में हमारे लिए आसान होगा। हाय, अगर आपको वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। अगर ओवरऑल बात की जाए तो सोसाइटी एक एंड यूज के लिए काफ़ी अच्छा ऑप्शन हो सकता है। सोसाइटी आपकी चार साइड से ओपन है और साथ में सेंट्रल लॉन एरिया भी काफ़ी बड़ा है, जिसका मतलब ये है कि आप फ्लैट किसी भी साइड पे ले तो आपको ओपननेस ज़रूर मिलेगी। साथ ही में सनलाइट और वेंटिलेशन की भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। इंटरनली भी सोसाइटी में सारी एमिनिटीज़ प्रोवाइड कराई गई।